आप सभी लोगों ने हाल ही में देखा है कि फिल्मी जगत के आप लोग शेर कह लीजिए, या आप लोग दिग्गज अभिनेता कह लीजिए, या फिर आप लोग ट्रेजेडी किंग कह लीजिए, इनकी डेथ हो चुकी है। और यकीन मानिए कि आप समझिए कि इस तरह के लोगों की जब डेथ होती है तो ये समझिए आप लोग कि ये योग की ख़त्म हो जाता है इनके साथ। आप समझिए कि फिल्मी जगत का एक योग खत्म हो चुका है एक तरह से। ऐसे कम ही लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और इस दुख की घड़ी में आप कह सकते हैं कि इनके परिवार को सहन शक्ति दे ऊपर वाला। चलिए एक हम लोग दिलीप कुमार के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। कम से कम हमारे देश के इतने बड़े दिग्गज फिल्म अभिनेता रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको मालूम तो होना चाहिए। देख लीजिए, इनकी फोटो है, आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा कई में, ठीक है। इनकी मूवी भी बता देंगे कौन कौन सी थी। तो याद रखिए, इनका नाम था दिलीप कुमार, आप लोग दिलीप कुमार के नाम से सामान्यता जानते थे, लेकिन इनका ओरिजिनल या आप कह सकते हैं असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। आप देखते हैं ना कि आपका उपनाम कभी कभी इतना चर्चित हो जाता है कि दुनिया भर आपको उसी नाम से जानती है। तो इनका नाम भी वही हुआ कि दिलीप कुमार इनका अन्य नाम था, और उसी नाम से ये एक तरह से फेमस हो चुके थे। और इनका एक और नाम था, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्हें इस नाम से बुलाते थे, ट्रेजिडी किंग के नाम से। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म होता है 11 दिसंबर 1922 को, यानी कि आप जानते हैं कि इस समय अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, और भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 1947 में जाके भारत से अलग करके पाकिस्तान नया देश बनाया जाता है। तो इनके जन्म स्थान की बात करें तो पेशावर उत्तर पश्चिम प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश का राज था तो ब्रिटिश इंडिया कहते थे, यहाँ इनका जन्म होता है। इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो लाला गुलाम सरवार इनके पिताजी थे, जो जमींदार थे और फल व्यापारी भी थे, ठीक है। इनकी माता की बात करें तो आयशा बेगम, और इन्होंने दो शादी की हुई थी। एक तो आप जानते हैं कि 11 अक्टूबर 1966 को इनकी शादी होती है साइना बानो के साथ, और दूसरी होती है 30 मई 1980 को आसमा रहमान के साथ। तो इन्होंने दो शादी की थी, आप समझ रहे हैं। इनकी पसंदीदा अभिनेत्रियाँ भी रही हैं, एक तो मीना कुमारी, दूसरी आप जानते होंगे नलिनी जयवंत। अगर आप लोगों ने पुरानी मूवियाँ देखी होंगी तो उसमें ज़रूर इन लोगों को देखा होगा। इनकी अभिरुचि की बात करें या फिर आप कहें कि इनका पसंदीदा खेल, तो क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद करते थे, और गृह नगर मुंबई रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि फिल्मी दुनिया एक तरह से हमारे देश में मुंबई में ही देखी जाती है। जितने भी आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे सब मुंबई में ही निवास करते हैं, तो गृह निवास इनका मुंबई। वहीं इनकी नागरिकता की बात करें तो भारतीय थे, ठीक है, यानी कि हमारे भारतीय थे। और शिक्षा की बात करें तो वारनेस स्कूल देवलाली, जो नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, इन्होंने यहाँ से शिक्षा ली है, ठीक है। और धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म से थे, यानी कि मुस्लिम थे। और मुझे लगता है कि धर्म से ज़रूरी है कि आप क्या हैं, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप देखिए कई धर्मों से गलत व्यक्ति भी मिल जाएंगे और अच्छे व्यक्ति भी मिल जाएंगे। अब अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, समझ रहे हैं आप लोग। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अभिनेता थे, यानी कि फिल्म दुनिया के एक तरह से बादशाह थे। इनके करियर की अगर हम लोग शुरू की बात करें कि इनकी करियर आखिर करियर शुरू कहाँ से होता है, तो आप देखेंगे कि दिलीप कुमार 1944 में एक फिल्म आई हुई थी जिसका नाम था ज्वारभाटा। इन्होंने इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, हालांकि आप सभी जानते हैं कि फिल्म सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि आप देखते हैं कि फिल्में हजारों बनती हैं लेकिन सफल होना एक अलग बात होती है, तो इसमें इन्हें सफलता नहीं मिल पाती। उनकी पहली अगर हम लोग हिट फिल्म की बात करें, यानी कि काफ़ी अच्छी फिल्म की बात करें, तो वो थी जुगनू। कौन थी? जुगनू, ठीक है। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर
खड़ा कर दिया। तो ये नाम इनका चर्चा में आया जुगनू फिल्म से। ठीक है, 1949 में आप देखेंगे कि अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। राज कपूर को आप लोग जानते होंगे, और आप देखेंगे यह फिल्म भी उनकी हिट साबित होती है। फिर आप देखते हैं कि दीवार आती है 1951 में, देवदास आती है 1955 में। इसमें भी इन्होंने काफ़ी मशहूर होने के कारण इन दोनों मूवियों में आप समझ रही, इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा, और फिल्मी जगत में इसी नाम से इन्हें पुकारते थे लोग। फिर आपने देखा होगा एक मूवी आई थी मुगले ए आजम, 1960 की बात है। इन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई थी। इसमें आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें जरूर आप लोगों ने जहांगीर के बारे में पढ़ा होगा, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। फिर आपने देखा होगा राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका, डबल रोल, आज भी लोगों को काफी अच्छा लगा। यानी कि इन्होंने जो राम और श्याम आई थी इसमें डबल रोल भी निभाया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग कि उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म जो शक्ति में अभी अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया था। अमिताभ बच्चन को भी आप लोग जानते होंगे। इस फिल्म में उन्हें आप देखेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था, जो आप देखते हैं कि फिल्म जगत में मिलता रहता है। आज भी आप देखेंगे प्रमुख अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान के फेडा स्रोत माने जाते हैं दिलीप कुमार। 1970 हो, 1980 हो, 1990 के दशक हो, इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। और इस समय आप देखेंगे इनकी फिल्म क्रांति 1980, विधाता 1982, दुनिया 1984, कर्मा 1986, इज्जतदार 1990, सौदागर 1991, 1998 में आपने देखी होगी किला, इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। यानी कि 1998 तक ये फिल्म जगत में बने रहे, और एक तरह से आप समझिए कि काफी सफल भी रहे। और आप जानते हैं कि सफल रहते हुए ही संन्यास लेना एक अच्छी बात होती है, याद भी रखा जाता है। आप सोचिए जब आप फेलियर में गुजर रहे हो तब संन्यास लेना किस मतलब का। और आप सभी को मालूम होगा कि जब मनोनीत किए जाते हैं सदस्य राज्यसभा में, आप संसद के सदन देखते हैं ना कि दो, आपके लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में आप सभी को मालूम है कि एक तरह से आपके जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में आप देखते हैं कि मनोनीत भी होते हैं और विधायकों के द्वारा भी चुने जाते हैं। तो सन 2000 में आप देखेंगे भी राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। कौन? दिलीप कुमार, जिन्हें आप लोग ट्रेजिडी किंग भी कहते हैं। इनकी कुछ फिल्मों को आप लोग देख लीजिए, 1944 में ज्वारभाटा, वैसे 1945 में प्रीतिमा, 1947 में मिलन, 1947 में ही जुगनू, 1948 में शहीद, 1948 में नदिया के पार, 1948 में ही मेला। आप समझिए कितनी 1948 में कर रहे हैं। 1948 में ही आप देखेंगे घर की इज्जत, 1948 में ही अनोखा प्यार। कभी आपसे क्वेश्चंस भी बन सकता है, पूछ लेगा कि ये दिलीप कुमार की इनमें से कौन सी मूवी है, तो आप लोग याद रखिए। 1949 में आप देखेंगे शबनम, 1949 में ही अंदाज, 1950 में आप देखेंगे जुगन, 1950 में बाबुल, 1950 में आरजू, 1951 में तराना, 1951 में ही हलचल, 1951 में दीदार, 1992 माफ करिए 1952 संग दिल, 1952 में दाग, 1952 में ही आन, 1953 में शिकस्त, 1953 में फुटपाथ, 1954 में अमर, 1955 में उड़न खटोला, 1955 में इंसानियत, इंसानियत समझ रहे हैं, 1955 में देवदास, 1955 में आज़ाद, 1957 में, चलिए कम से कम एक साल तो गैप दिया इन्होंने, 1957 में नया दौर, 1957 में मुसाफिर, 1958 में यहूदी, 1958 में मधुमती, 1959 में आप देखेंगे पैगाम, 1960 में कोहिनूर, कोहिनूर का हीरा सुने वही, 1960 में मुगल ए आजम, 1961 में गंगा जमुना, 1964 में लीडर, 1966 में दिल दिया दर्द लिया। ठीक है, दिल दिया और दर्द दिया। 1967 में आप देखेंगे राम और श्याम, 1968 में संघर्ष, 1968 में आदमी, 1970 में आप देखेंगे संगीना महतो, 1970 में गोपी, 1972 में दास्तान, 1972 में अनोखा मिलन, 1974 में संगीना, 1976 में बैराग,
1981 में क्रांति, 1982 में विधाता, 1982 में ही शक्ति, 1983 में आप देखेंगे मजदूर, 1984 में दुनिया, 1984 में मसाल, 1986 में धर्म अधिकारी, 1986 में कर्मा, 1989 में कानून अपना अपना, 1990 में इज्जतदार, और 1990 में आग का दरिया, 1991 में सौदागर, 1998 में किला। आप समझ सकते हैं कि इतने सफल अभिनेता रहे हैं एक तरह से। और आप समझिए कि उस समय की मूवियों में मजा ही आता है। ओल्ड इज गोल्ड, आजकल की मूवी तो आप देखते हैं बनती है मालूम ही नहीं चलता है, और किस तरह के कैरेक्टर रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ भी बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो ये हालत है आजकल फिल्म जगत की। इनको ये आप देखते हैं इतना अच्छा काम किया हुआ है, तो इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 9 बार, आप समझ रहे हैं, 9 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। 1983 में आप देखेंगे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शक्ति के लिए मिला था। 1968 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार राम और श्याम के लिए मिला था। 1965 में आप देखेंगे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जो लीडर मूवी थी इसके लिए मिला था। 1961 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार कोहिनूर जो मूवी थी इसके लिए मिला था, जिसे आप लोग फिल्म कह दीजिए। 1958 में आप देखेंगे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नया दौर मिला था, नया दौर मूवी थी जो। 1957 में आप देखेंगे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार देवदास के लिए मिला था। 1956 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आजाद फिल्म के लिए मिला था। 1954 में आप देखेंगे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दाग मूवी के लिए मिला था। और आपको मालूम होगा कि 2014 में किशोर कुमार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। 1980 में आप देखेंगे उन्हें सम्मानित करने के लिए मुंबई का शेरिफ घोषित किया गया था। 1995 में आप देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1998 में आप देखेंगे उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज भी प्रदान किया गया। 1991 में आप देखेंगे पद्म भूषण से भी नवाजा गया। और 1991 के बाद आप देखेंगे 2015 में उन्हें पद्म विभूषण भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब आपका करियर सफल रहेगा तो आपको जरूर नवाजा जाएगा, पुरस्कार तो दिए जाएंगे। और जो अंतिम रास्ता होता है हमारा भी आपका सबका होना है। तो इनका पहले हो गया, आप समझ लीजिए 7 जुलाई 2021 को मुंबई महाराष्ट्र में, और जो महाराष्ट्र भारत में पड़ता है यहाँ इनकी डेथ हो गई है। तो इनकी यह है कहानी कि किस तरह से इन्होंने अपनी कहानी शुरू की और किस तरह से खत्म हुई है। बड़ी बस इसी को तो आप लोग समझिए कि इसे ही सफल करियर कह दीजिए, सफल जिंदगी कह लीजिए, जो भी कहना। चलिए आप लोग देख लीजिए इनके बारे में, दिलीप कुमार साहब, ठीक है।